Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Alina Mangur. Roll number is 18203. Semester hai 6 PS with more. My project ka naam hai electricity bill system. Add station modules with database and 2 and 3 adult modules. Electricity bill system banana hai jisme maine ek module add karna hai station ka jisko database ke sath connect karna hai aur 2 ya 3 aur modules add karna hai. Jo mera project है वो मैंने क्लिप जावा सीन में बनाया है और जो मेरा पहला मॉड्यूल है रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसका डिज़ाइन ये है जिसमें मैंने लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए हैं और 4 बटन लगाए हैं. तो हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं. सबमिट के बटन पे सबसे पहले मैंने इसको डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया है. ये डाटाबेस के कनेक्शन की कोडिंग है. और फिर मैंने इधर कंडीशन लगा दिया है कि अगर ये मेरा फॉर्म जो है करेक्टली एंटर होता है तो वो मुझे मैसेज बॉक्स शो करा है कि उसकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फेल्ड. और नेक्स्ट मेरा बटन था क्लियर का. उसमें जो है ना जितना मैंने डाटा एंटर किया उसको नल कर देंगे. तो जब हम क्लियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरा सारा डाटा जो मैंने एंटर किया वो रिमूव हो जाएगा. एक बटन मैंने एग्जिस्ट का ऐड किया था और एग्जिस्ट बटन की कोडिंग है सिस्टम डॉट एग्जिस्ट 0, मतलब कि मेरा फॉर्म बंद हो जाएगा. एक मैंने बटन ऐड किया था नेक्स्ट का. जब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगी तो वो मेरा जो है नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा. तो हम इसको रन करते हैं. ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. इसमें हम नेम एंटर करते हैं, ईमेल, सिटी हम ऐड करते हैं इसमें, एड्रेस, फोन नंबर, सीएनएफसी नंबर और पासवर्ड. अब सबमिट के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मतलब हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है. अब हम अपने डाटाबेस की तरफ चलते हैं और उधर देखते हैं कि हमारा डाटा उधर, ये देखें हमारा डाटा जो मैंने अभी एंटर किया था वो हमारा यहाँ पर डाटाबेस में सेव हो गया. जब मैं क्लियर के बटन पर क्लिक करूँगी तो जो डाटा मैंने एंटर किया है वो मेरा क्लियर हो जाएगा. अभी इसके बटन पर क्लिक करूँगी तो मेरा फॉर्म बंद हो जाएगा. जब मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगी तो मेरा नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा. ये देखकर मेरा बिल कैलकुलेट का नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो गया. इसमें भी हम अपना डाटा एंटर करेंगे, वैसे ही ईमेल, मंथ हम कुछ लिखेंगे, नंबर जो है हमारा बिल का नंबर और एक्सपायरी डेट. ये एंटर करेंगे. जब मैं ये कैलकुलेट पे क्लिक करूँगी तो ये जो मैंने बिल कैलकुलेट किया है ये मुझे उसका मैसेज बॉक्स शो करवा देगा. इसके हम ना सोर्स कोड में जाएंगे. ये देखें जो मेरा कैलकुलेट बटन है ना उसमें मैंने कोडिंग किया. ये इधर मैंने कंडीशन का इंट बिल इज इक्वल टू 0, इधर हमने कंडीशन का एक, अगर हमारी यूनिट है लेस देन और ग्रेटर देन 100 है तो बिल यूनिट हमारे पास है बिल इक्वल है यूनिट 50 कर दे. ये जो बिलिंग की कोडिंग है ये मेरी ये वाली कोडिंग है, ठीक है. ये कैलकुलेट करके जब ये सक्सेसफुल हो गया मुझे मैसेज बॉक्स शो करवा दे ये हमारा बिल की यूनिट कैलकुलेट हो. तो जब हम क्लियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो डाटा हमने एंटर किया है वो क्लियर हो जाएगा. और जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा. ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा. इसमें मैंने एक इमेज ऐड किया और एक बटन ऐड किया और जो बटन ऐड किया लॉगआउट उसमें सिस्टम डॉट एग्जिस्ट है. जब मैं इधर लॉगआउट पर क्लिक करूँगी तो मेरा फॉर्म बंद हो जाएगा. ये था मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोजेक्ट. थैंक यू सो मच.